अप्रोक्स मोटा मोटी आप लोग डिफ्रेंसिएशन तो कर लेंगे ना, हो जाएगा? मेडिकल वाले बच्चे अब बात मत कीजिए प्लीज। इस क्लास को बहुत लोग लाइटली ले रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपका यही है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे उस सेक्शन को मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप में से कुछ लोग जानते हैं मुझे पता है, बट उस सेक्शन को कवर किया जा रहा है जिस सेक्शन की वजह से आपका फिजिक्स वीक है। जिस सेक्शन की वजह से अगर मैं बोलते रहूँगा ना आगे, तो आपका सपोज जैसे ही मैथमेटिक्स थोड़ा भी आ जाएगा, और ऑब्वियसली मेरा पढ़ाने का तरीका है, तो मैं कोई भी चैप्टर शुरू करूँगा तो उसमें मैथमेटिक्स आता है, तो मैथमेटिकल अप्रोच है मेरा फिजिक्स पर, और होना भी चाहिए। दो तरीके से, तीन चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ फिजिक्स में, मैथमेटिक्स, ग्राफ और वेक्टर। यही तो बैकबोन है फिजिक्स का। तो पहले इसको उतना ही इंटरेस्ट लेकर कवर कीजिए। ये सेक्शन अगर अच्छा हो गया तो समझिए कि 25% फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छा कर लीजिएगा आप। ये वीक रह गया, क्योंकि आपके पास टाइम है, जून में आपको बैठना है एग्ज़ाम में। मैथमेटिकल टूल, ये लेक्चर नंबर कितना है एवरीवन? हालांकि दोनों प्लेलिस्ट फाइल अगर अभी तक आप फॉलो कर चुके होते तो कमाल का पकड़ हो जाता मैथमेटिकल टूल पे। कम इन। देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा। मैंने एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इंटरेस्ट लेकर समझना है। तो ग्राफ जब ड्रॉ करते रहेंगे तो ये ग्राफ क्या है, बाई द फंक्शन ऑफ एक्स का, करेक्ट? ए बोलेंगे ना, दिस द ग्राफ ऑफ व्हाट, बाय इज द फंक्शन ऑफ, बाय का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? तो एक्स का कहां से कहां तक वैल्यू लेंगे वो तो डैम श्योर आपको पता होना पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, तब तक ग्राफ को कहां तक लेके जाएंगे आपको पता ही नहीं रहेगा। नहीं, ये कैसे पता है कि हम लोग को जीरो से इन्फिनिटी एक्स का वैल्यू लेना है? तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ना, जैसा ग्राफ जैसा फंक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग, करेक्ट? मान लेते हैं कि बाई इक्वल टू रूट एक्स, बाई इक्वल टू, तो क्या यहाँ पे एक्स का वैल्यू निगेटिव डालेंगे? रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, उसमें हो जाएगा, उसमें तो इमेजिनरी वैल्यू भी होता है, राइट? बट अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो पहला क्राइटेरिया तो होगा ग्राफ, हाँ, एक्स का वैल्यू जीरो और पॉजिटिव लेंगे, तो जीरो और पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, बट निगेटिव वाला पार्ट में ग्राफ नहीं लेके जाएंगे, एग्री ना? मतलब इस टाइप का सिचुएशन को हम लोग को फॉलो करना है। सपोज कीजिए एक्स इक्वल टू टू टी स्क्वायर, और एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या टाइम निगेटिव होता है?
सर भूतकाल तो होता है पास्ट सर, तो पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में ही रहना है, प्रेजेंट और फ्यूचर तक जाना है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ एक जो ग्राफ है तो एक्स वर्सेस टी के लिए ऐसे ही तो कीजिएगा, करेक्ट। तो कितना क्वाड्रेंट बना, चार। इसमें दो क्वाड्रेंट में ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करके भी डिलीट कर देंगे, वजह टाइम को निगेटिव हम लोग नहीं बनाएंगे, समझ गए। इसका मतलब है ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम पे हम लोग को यह आइडिया रहना चाहिए कि ग्राफ में जो मेरा डोमेन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो पे जो वैल्यू लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन, और वर्टिकल एक्सिस पे जो लेते हैं उसको बोलते हैं रेंज, राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो वैल्यू है उसको मोटा मोटी हम लोग को कहाँ तक लेके जाना है वो आइडिया रहना पड़ेगा, अदरवाइज ग्राफ कहाँ तक ले जाएं कोई आइडिया नहीं रहेगा फिर आपको। चलिए तो डोमेन का मतलब समझ गए ना कि यार मैं कहीं भी अगर एक टर्म को यूज करता हूँ कि दिस इज द डोमेन ऑफ माई ग्राफ, राइट। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या, स्लोप बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना उसका एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग है दैट इज कॉल्ड स्लोप, करेक्ट। तो ये सब चीज़ आपको पता चलेगा जब जो मेरा मैथमेटिकल टूल है भाई राकेश सर उसका पहला या सेकेंड क्लास में, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू स्लोप का वैल्यू थ्रू आउट द डोमेन जितना भी जहाँ तक आपका ग्राफ जा रहा है, करेक्ट, उसमें हर जगह पे अगर पॉजिटिव है एक्सेप्ट सम आइसोलेटेड पॉइंट, सम आइसोलेटेड पॉइंट मतलब एकाध दो पॉइंट को छोड़कर, तो उस टाइप के ग्राफ को, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। कौन सा फंक्शन सर, एमरेज में आएगा, बिल्कुल आएगा, अब बहुत बार आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो आज के बाद अगर कोई भी कहीं भी फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, लेट अस सपोज, और बोल दिया कि देख जैसे ही मुझे इक्वेशन मिला मैं बोल दिया कि देखिए दिस इज द फंक्शन या दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब है कि उसके सारे पॉइंट पर स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा एक्सेप्ट एक दो पॉइंट को छोड़कर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यस इंक्रीजिंग फंक्शन। ज़्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं बनाएंगे, इसका मतलब है कि इस पूरे ग्राफ में अगर स्लोप पॉजिटिव है या जीरो, बट जीरो थ्रू आउट नहीं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दस एकदम बिल्कुल ऐसे जीरो हो गया इनफाइनाइट नंबर से, एक्सेप्ट सम आइसोलेटेड पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बोल दिया कि ध्यान सुनिएगा कि स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग जो काउंटर करेंगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन तीन टाइप का ही रहेगा, फोर्थ टाइप नहीं आएगा, डोंट वरी। जितना भी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ का नेचर रहेगा वो तीन टाइप का सिर्फ रहेगा। देखिए तो इसमें हर जगह पे स्लोप पॉजिटिव है, दिमाग दौड़ाइए, स्लोप पॉजिटिव है, इसमें क्या स्लोप पॉजिटिव है, कैसे सर, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, एंगल आपको एक्यूट मिलेगा, राइट। और यहाँ पे मेरा मैथमेटिकल टूल का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जब फॉलो कीजिएगा, आज उस क्लास में आप बैठिए ऑटोमेटिक में पता चल जाएगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। इसमें क्या स्लोप पॉजिटिव है, करेक्ट। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का तीन ही, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कहीं भी आ गया तो इसी तीन टाइप का ग्राफ का नेचर रहेगा, और ये हम लोग को बहुत बड़ा हेल्प करेगा हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, करेक्ट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, देखिए ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ, इसका फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ही बट इसका स्लोप भी बढ़ रहा है, राइट। ए यस, इसको कुछ ऐसा एग्जांपल है ना कि बैम्बो ट्री है उसका एकदम टिप को पकड़ के ऐसे खींचिए तो उसी टाइप का शेप बनेगा, राइट। ऐसा ग्राफ मिलता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ दिखेगा ऐसे मिलेगा, राइट। तो इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप का नेचर क्या रहता है कि आगे चलकर स्लोप कहीं पर जीरो हो जाएगा। एक मिनट, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप का नेचर क्या रहेगा कि स्लोप कम होते होते, पहले तो इंक्रीजिंग है मतलब पॉजिटिव है, और स्लोप कम होते होते स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इट राइट। और यहाँ पे इसका क्या नेचर है, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट
इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ, प्लीज तीनों को जो मैंने बोला उसको लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप एंड इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट स्लोप। हो गया ना? अब एक मिनट रुकिए, इन दोनों ग्राफ में का क्या डिफरेंस है? सर इसमें तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और इसका स्लोप भी बढ़ रहा है। एक मिनट, लास्ट में जाते जाते स्लोप क्या हो जाएगा अगर ये ग्राफ आगे जाते रहा? यस, ऐसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की जाएगा तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, लेकिन 90 से थोड़ा कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा या थोड़ा कम? यस, प्लस इन्फिनिटी, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? आई इसमें कम होते थे कहाँ? अब किसी के माइंड में रहेगा सर ऐसे कर देंगे, हो सकता है, बट तब जब ऐसे कर देंगे तो फिर फंक्शन इंक्रीजिंग रहा ही नहीं, डिक्रीजिंग हो गया। फिर इसका मतलब जब तक आप उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं, मतलब थ्रू आउट, अगर आपका थ्रू आउट द डोमेन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, एम का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो लास्ट में जाकर जीरो हो सकता है, निगेटिव में नहीं जाएगा, करेक्ट। अब वैसे ही सेकेंड पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स अगर निगेटिव हो गया थ्रू आउट द डोमेन, मतलब जहां तक ग्राफ मेरा जा रहा है, करेक्ट, मतलब इस अभी यहाँ पे जाने के डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग स्टूडेंट डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आप गेस कीजिए तो डिक्रीजिंग फंक्शन कितने टाइप पे रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। यस, तो एक्चुअल में डिक्रीजिंग फंक्शन का भी ध्यान से सुनिएगा, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो स्लोप निगेटिव है हर पॉइंट पे, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ टाइप नहीं आएगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, यही तीन टाइप रहेगा, एक ऐसा ग्राफ रहेगा, एक ऐसा ग्राफ रहेगा और एक ऐसा ग्राफ रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या है कि देखिए ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है वो लास्ट होते होते जीरो इसका स्लोप हो रहा है, राइट, लास्ट होते होते क्या होगा, जीरो, निगेटिव तो है बट वो निगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, मतलब -4 से -2 से -1 से 0 की तरफ जा रहा है, राइट, इसका नेचर ए है। इसका मतलब इस टाइप का अगर ऑब्जर्वेशन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब स्लोप तो निगेटिव है ही बट आपको लग रहा है कि आगे जाकर उसका स्लोप जीरो होने वाला है, इसका मतलब अल्जेब्रिकली उसका स्लोप बढ़ रहा है। अल्जेब्रिक सेंस में स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। -4 और -2 में कौन बड़ा हो, -4 -2, कल फिर से हार गया लगता है बेचारे का ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया है। नहीं नहीं, कभी टाइम, आप कितना भी किंग रहिएगा सबका टाइम आता है भाई।
एक मिनट एक मिनट देखिए, हाँ फिर से बोले तो नहीं, मैंने एक मिनट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस कोई भी ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा, मैं ग्राफ का शेप का बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ओरिजिन से पास कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे सिर्फ किसका बात, ध्यान से देखिएगा रागिनी मिश्रा, मैं सिर्फ किसका बात कर रहा हूँ, शेप का, कि डिक्रीजिंग फंक्शन का कितने टाइप का शेप बनेगा, तीन ही टाइप का बनेगा। ये बहुत ज़बरदस्त आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, करेक्ट। इसका मतलब एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। इसका नेचर क्या रहेगा, इसका इस ग्राफ का नेचर रहेगा कि इस एक ग्राफ क्या आपका इस एक्सिस पे इन्फिनिटी तक जाएगा, नेचर ही नहीं है, कहीं पे कट करने का नेचर है, राइट। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इसका अगर सही से ग्राफ यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे एंगल ये है, यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये है, तो ये एंगल और ये एंगल में कौन एंगल बड़ा, ए बड़ा है छोटा है। आगे चलकर अगर यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि एंगल डिक्रीज होते होते 90 के पास जा रहा है, एंगल डिक्रीज होते होते, लेकिन 90 को टच करेगा नहीं करेगा, और 90 को टच करेगा अभी तो इन्फिनिटी पे जाके करेगा, राइट। और इसका मतलब है कि 90 से थोड़ा बड़ा माइनस इन्फिनिटी क्या रहेगा, इसका मतलब इसका स्लोप माइनस टू, इसका स्लोप का नेचर रहेगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, जाते जाते कहाँ पे, इसका स्लोप का नेचर रहेगा माइनस टू माइनस वन, जाते जाते जीरो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसका स्लोप सर निगेटिव तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टेंट रहेगा, निगेटिव रहेगा लेकिन कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इस तीन टाइप का मैं थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, अब ये सब आपको गैसियस स्टेट वगैरह में भी आएगा एवरीवन। इससे कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलिए फिजिक्स में सर काम चल जाएगा, फिजिक्स में सिर्फ अप्लाई होता तो छोड़ भी सकते थे, रट लो, बट प्रॉब्लम यह है कि केमिस्ट्री में भी तो आएगा। एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं, मान लेते हैं कि y इक्वल टू टू बाई एक्स, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा फंक्शन लेंगे, ध्यान से यहाँ देखते रहिएगा। इस इक्वेशन, इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ये आप ही कौन सा देना है सर, इसको y को 2x बोलते हैं, गार्गे भाई हाइपर बोला, इक्वेशन ऑफ व्हाट, ए मत बोलिएगा सर, y इक्वल टू 2x इनवर्स फंक्शन कहाँ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला ना, आप हाइपर बोला मत पढ़िए, आपको अभी नहीं प्रॉब्लम बनाने आता है, बस नेचर तो समझिए। अब बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, अब सोच सर्कल, देखिए मैं बेहोश हो जाऊंगा, कितना बड़ा बड़ा आंसर दीजिएगा, तो इतना तो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप बोलेंगे वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, कौन सा इक्वेशन सर, पैराबोला, ये लीनियर इक्वेशन है राइट। इसका मतलब हर इक्वेशन पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे जितना ग्राफ लगेगा ना, देखिए भाई नेचर मेरा ऐसा है कि या तो चैप्टर शुरू नहीं करता, और अगर शुरू किए हैं तो इस पर जितना आपको डिजर्व करते हैं उतना पढ़ा के फिर निकलूंगा। दो ही काम हो सकता था, या तो आप मैथमेटिकल टूल फॉलो कर लेते, आपने फॉलो किया नहीं, अब मैं इन कर गया तो बीच रास्ते में तो छोड़ नहीं सकता हूँ चैप्टर को। यहाँ देखिए, अब एक मिनट सब लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे, ओके। यहाँ पे सपोज कीजिए, अब एक्स पे कोई कंडीशन है, यहाँ पे एक्स पे कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी वैल्यू एक्स का ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन दिया कि देखिए मुझे एक्चुअल में एक किसी प्रॉब्लम में इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ये मैंने आपको कंडीशन दिया। तो जैसे ही एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दिया, इसका मतलब एट क्वाड्रेंट और एक क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना, सिर्फ इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में, बाई पे कोई कंडीशन नहीं दिया, सिर्फ किस पे ने कंडीशन दिया, और आपको बोला कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये तो पता होगा कि क्वेश्चन हाइपरबोला है राइट। अब कुछ लोग सोच भी रहे होंगे सर ऐसा ही क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला होता है,
हाँ या ना भाई, ऐसा कैसे ड्रॉ हुआ होगा? चलिए अब इसका रियल थ्योरी बताता हूँ क्यों ऐसा रहा होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? वेरी गुड, माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन तो कर लेंगे ना, टू बाई, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं राइट? इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ गया? ओके, इस ब्रैकेट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हाँ बोलते रहिए, और आगे में क्या है? निगेटिव, मतलब ये स्लोप ऑलवेज निगेटिव हो गया। इसका तो डैम से दिस एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन, एग्री? अब एक्स का वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, अब डिक्रीजिंग फंक्शन है इसका, अब नेचर इसका चेक करना है, एक्स का वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो ये ब्रैकेट क्या होगा? ये ब्रैकेट का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब अगर एक्स का वैल्यू वन कर दिए तो कितना? माइनस टू, एक्स का वैल्यू टू कर दिए देन माइनस हाफ, एक्स का वैल्यू थ्री कर दिए तो टू बाई थ्री कर देंगे तो माइनस टू बाई नाइन ना, टू बाई नाइन राइट। एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी कर दिए जीरो, इसका मतलब है बिल्कुल कूल माइंड से, इसका मतलब है सर एक कुछ इस टाइप का ग्राफ था, माइनस टू से माइनस वन से जीरो की तरफ जाने वाला ग्राफ राइट। इसका मतलब है कि अलजेब्रिकली स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा था, इन तीनों ग्राफ में से जो मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन का तीन नेचर दिखाया था ना, इसमें कौन सा ग्राफ, कौन सा नेचर सूट कर रहा है? ए वाला या ए वाला? यस, इसका नेचर तो पता चल गया। अब इसमें एक और डिक्रीजिंग है तो पहले ही पता चल गया स्लोप से, और तीनों में कैसा शेप बनेगा वो पता चल गया, कैसा शेप बनेगा? ए शेप बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि शेप कैसा बनेगा ग्राफ का, डिक्रीजिंग फंक्शन सिर्फ जानना सफिशियंट था। डिक्रीजिंग फंक्शन में तीन टाइप का शेप बनेगा, उसमें कौन सा शेप सूट करेगा वो देखना था राइट। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी, ये तो पता है कि सर वाई का वैल्यू इन्फिनिटी और जीरो रहेगा राइट, और ऐसा नेचर रहेगा, हाँ या ना? एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू इन्फिनिटी, आप देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, नहीं देखा है। इसका मतलब है कि ग्राफ का नेचर ये रहेगा बिल्कुल, जाके कहीं पे बाई का वैल्यू जहाँ पे इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो लेना इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, टू बाई जीरो का फॉर्म हो गया ना, ये क्या हो गया इन, जिसको हम लोग ये तो पता है कि अगर जीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा जाके? इन्फिनिटी पे वैल्यू बाई का रहेगा, तो नहीं देखा, तो ऐसे ग्राफ को पैरेलल कर दिया, क्या कर दिया? पैरेलल। और एक्स का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो वाई का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे वाई का वैल्यू जीरो, तो ये तो वैल्यू पता चल गया। और उसके बीच में ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा? इस टाइप का नेचर रहेगा। यहाँ पे स्लोप आपका कांस्टेंट था या वेरिएबल था? स्लोप इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स राइट, स्लोप इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, और नेचर कैसा था? माइनस टू माइनस वन जीरो वाला, तो शेप कैसा होगा? दिस टाइप का होगा, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ग्राफ हाइपरबोला का ड्रॉ किया गया होगा। अभी तक हम लोग हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का रटे हुए हैं, क्यों लेते हैं यहाँ पर समझ रहे हैं करेक्ट। तो सर इसका केमिस्ट्री में क्या यूज? अब देखिए ये ग्राफ जैसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री में एक लॉ है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ है ना। मान लेते पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो पक्का जानते होंगे, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, लेट अस सपोज, तो पी इक्वल टू के बाई वी लिख सकते हैं ना। और तब मैं आपको बोलूँगा प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका वर्सेज किसका? वॉल्यूम कभी निगेटिव में देखें, माइनस 10 लीटर, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव हो सकता है, वॉल्यूम निगेटिव प्रेशर निगेटिव में, चेंज इन प्रेशर निगेटिव होगा बट प्रेशर निगेटिव, डेल्टा पी निगेटिव हो सकता है, डेल्टा वी निगेटिव हो सकता है, बट क्या पी और वी निगेटिव होगा? नहीं होगा। तो जब पी और वी पॉजिटिव ही रहना है तो पी वर्सेज वी का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो
ये तीन क्वाड्रेंट मेरे काम का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इस क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वॉल्यूम निगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। इस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों निगेटिव, इसमें ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर निगेटिव। क्या इसमें से कुछ भी हो सकता था? तो सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग, ठीक है। तो ग्राफ एकदम समझ कर प्लॉट कर देना बहुत कमाल का बात है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ, अब इसको देखिए, ये तो कितना बार पूछा हुआ है नीट में भी। एक्स को एक कभी भी इस एक्सिस को कट नहीं करेगा, वजह यस, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दिया था, आप एक्स का वैल्यू क्या लीजिएगा? पॉजिटिव। तो जब तक आप एक्स का वैल्यू इसमें पॉजिटिव डालते रहेंगे तो बाई पॉजिटिव मिलेगा, कट करने के बाद तो बाई निगेटिव मिल जाएगा, बट यहाँ पे बाई का वैल्यू निगेटिव होने का चांस है। इसमें आपको क्या पुट करना था? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बाई एक्स का वैल्यू अगर ऑलवेज पॉजिटिव पुट करते रहेंगे तो बाई का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मिलने के लिए यहाँ इस एक्सिस से ऊपर ग्राफ रहेगा, बाई का वैल्यू पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या, इस एक्सिस से ऊपर रहेगा। और लास्टली एक्स का वैल्यू बड़ा करते करते आप लास्टली क्या जा सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक, और एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो बाई का वैल्यू जीरो। ये कभी भी इसको कट नहीं करेगा, यस, ये ऐसे जाते रहेगा। और कहाँ पे आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं एक्स का लेकर? इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी, तो बाई का वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसा क्यों? ए डिक्रीजिंग फंक्शन था, बाई का वैल्यू घटते रहा लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव रहा, ऑलवेज क्या रहा? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फंक्शन बोल रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया था एक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या पुट करना है? पॉजिटिव या तो जीरो। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा तो बाई का वैल्यू भी ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ बाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, हाँ या ना, करेक्ट। तो बाई भी पॉजिटिव और एक्स, इतना आपको एनालाइज करने के लिए आना पड़ेगा। तो बाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मेरा ग्राफ रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे और पी भी इक्वल टू के, भाई थर्मोडायनेमिक्स से तो बहुत आएगा, अपने आप को समझा लीजिए, ग्राफ तो आने ही वाला है। बढ़िया हुआ ना कि यहाँ पे पढ़ लिए। तो पी भी इक्वल टू के, और तब मैं पूछूंगा फाइंड द स्लोप ऑफ पी वर्सेज भी, स्लोप ऑफ व्हाट, क्या होगा सर? डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डी पी वाई डी वी, क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? माइनस के बाई वी स्क्वायर। और भी कमाल का बात है, k के लिए p भी पुट कर दें, राइट, माइनस p बाई वी, इसमें बहुत लोग जानते भी होंगे। तो बॉयस लॉ में p भी इक्वल टू k है तो स्लोप होता है माइनस p बाई वी होता है। अब यहाँ देखिए, ना ही प्रेशर नेगेटिव रहेगा ना ही वॉल्यूम नेगेटिव रहेगा, राइट। तो ये ब्रैकेट हो गया पॉजिटिव, आगे में एक क्या लगा हुआ है, मतलब स्लोप निगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन में वॉल्यूम को इंक्रीज करते करते कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी। तो स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे डोमेन को बड़ा कर रहे हैं और स्लोप का नेचर अगर ऐसा दिख रहा है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वाला, इसका मतलब शेप कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, समझ गए? इसका मतलब ये नहीं, रटने वाला नहीं था। जनरली हम लोग क्या होता है कि जब एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करते रहते हैं तो रट लेते हैं, ऐसा ही होता है ग्राफ। बट एक्चुअल में रटने वाला था या समझने वाला था? समझने वाला था। अदरवाइज दो मिनट में कोई आपको काउंटर अटैक कर देगा कि हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ पी वर्सेस बी का ऐसा ड्रॉ करेंगे, क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, तो क्या बोलिएगा? अभी बोल सकते हैं ना प्रॉपर समझा कर कि दैट्स वाई, करेक्ट। तो अब तो हो जाएगा। तो आज के बाद कोई भी ऐसा कोई फंक्शन मैं रैंडम दे दूंगा और सिर्फ ये पूछूंगा कि ग्राफ का शेप का नेचर क्या होगा, क्या आप डिसाइड कर पाएंगे? हो जाएगा? ओके। अब यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी ग्राफ छोड़िए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस ग्राफ का नेचर, सिर्फ शेप कैसा रहेगा?
और मैं इसके लिए ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ। इस एक्स ग्रेटर इक्वल टू, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करते तब तो आपको एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेना पड़ता, राइट। तो सपोज कीजिए कि इस कंडीशन के लिए अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो शेप का नेचर देखना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे कितना मिलेगा, 2x। और यही तो मेरा स्लोप है, तो क्या स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है या स्लोप इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। अब x बड़ा करेंगे, x क्या है, पॉजिटिव है, x बड़ा करेंगे तो m का वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा करेंगे तो, अब पॉजिटिव तो रहेगा ही, पॉजिटिव रहेगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी कर देंगे तो स्लोप प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इसमें स्लोप का नेचर सर ऐसा है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जाते जाते कहाँ तक। इसका मतलब है कि सर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इस डोमेन के लिए, दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, तो शेप कैसा रहेगा, यस। और एक्स इक्वल टू जीरो तो स्लोप क्या, एक्स इक्वल टू जीरो तो स्लोप, एक्स इक्वल टू वन तो स्लोप टू, एक्स इक्वल टू तो स्लोप फोर, एक्स इक्वल टू टेन तो स्लोप ट्वेंटी, एक्स इक्वल इन्फिनिटी स्लोप प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है सर स्लोप और इंक्रीजिंग फंक्शन का शेप कितने टाइप का, तीन ही टाइप का था, राइट। उसमें ऐसा ड्रॉ करें या ऐसा ड्रॉ करें, यस ऐसा ड्रॉ करेंगे, एग्री। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे स्लोप जीरो था, इसलिए दैट्स वाई इसका फाइनली शेप कैसा बनेगा। इसको यहाँ पे थोड़ा टच कराते हुए, एग्री, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप शुड बी व्हाट, जीरो, करेक्ट ना। इसको ऐसे भी लेके जा सकते थे, बिल्कुल यहाँ से ऐसे उठाकर, ये सही रहता कॉन्सेप्चुअली। देखिए एक होता है कि बस कुछ भी कर देना है, तो उसमें क्या होता है कि जस्ट आप बाय वर्क चीज़ों को कर रहे हैं, टाइम सफिशियंट होता है भाई किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप इतना भी जितना अभी जिस लेवल पे आप हैं, अभी से भी कोई चाह लेगा कि नहीं मुझे 6 या 7 मंथ में रिजल्ट देना है, पक्का रिजल्ट देगा, वी हैव सफिशियंट टाइम, बस आप अपने रूटीन को डिस्चेस कैसे यहाँ पे है, ऑफलाइन क्लास के लिए लाइव क्लास के लिए तो कॉन्स्टेंट कंडीशन है, करना ही पड़ेगा उस टाइम पे, नहीं तो दोबारा तो राकेश सर पढ़ाएंगे नहीं। यही अगर एक वीडियो भेज के देख लिए थे मैं, तो उसमें मतलब तो एक बात बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है थोड़ा लेजीनेस आ गया, देख लेंगे कर लेंगे। तो प्रॉपर एक सिस्टम जो है कैटलिस्ट का या कहीं भी अगर आप चल रहे हैं तो उस चैनल के साथ बढ़ते रहिए, करेक्ट। और सिलेबस तो फर्स्ट टेस्ट का उस दिन लिखवाए थे, क्या क्या है सिलेबस में भाई, नीट का सिलेबस पता है ना, और मैथ में कुछ दिए हैं, 3D एंड वेक्टर, ओके। नेक्स्ट मंडे को पक्का टेस्ट होगा, इस मंडे, आज तो मंडे है ना, आज तो हुआ नहीं, नेक्स्ट मंडे को डैम सियर होगा पेपर। 50% तो मैं कल ही रेडी कर दिया हूँ, और 50% अभी है मेरे पास 2-3 दिन टाइम। जो भी नीट का इंडिया लेवल पे पैटर्न है, सेम पैटर्न 720 मार्क्स का है ना, तो 720 मार्क्स का 45 क्वेश्चन, हाँ उसमें 200 क्वेश्चन नहीं दूंगा, ऐसे तो अभी 200 क्वेश्चन आता है, एक दो टेस्ट के बाद दूंगा। अभी मेरा जो ऐप है उसमें 200 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसको मैं मॉडिफाई करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो पैटर्न है वो 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री कराता है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स कराता है, 100 क्वेश्चन बायो का रहता है, लेकिन बनाना रहता है 180 ही, तो वो उस सेम पैटर्न का मेरे पास फुल टेस्ट बनाया हुआ है, लेकिन अभी दूंगा 180 का, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स ऑफ, यस 45 बायोलॉजी एंड 45 बॉटनी, बिल्कुल डिटो सेम पैटर्न। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले बायो से स्टार्ट कीजिएगा, या फिजिक्स है, बायो से पद केमिस्ट्री तब फिजिक्स पे जाना है। सफिशियंट टेस्ट लेंगे, कितना टेस्ट आप चाहते हैं बोलिए, नहीं मोटा मोटी हम लोग जून आते आते कम से कम तो ऑलमोस्ट 40 तो टेस्ट ले लूँगा मिनिमम, हाँ यस। सिलेबस जब फास्ट हो जाएगा तो हर वीक में 2 टेस्ट कंडक्ट कर देंगे,
वो तो मेरे हाथ में है ना। जैसे अभी देखिए कल टेस्ट हो रहा था इन लोग का, आप शायद कुछ लोग देखे भी होंगे, ट्वेल्थ वाले का 4 दिन के बाद ही टेस्ट था उनका, टेस्ट एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये तो समझ में आ गया ना। अब लिखिए सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, देखिए 1 बाई 1 फर्स्ट, एक ऐसा इक्वेशन, सब लोग लिखिएगा भाई, लीनियर इक्वेशन। और देखिए ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये 9th क्लास में पढ़े होंगे y इक्वल टू ax प्लस बी, राइट। तो आज के बाद ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन। अब 1 मिनट रुकिए, प्लीज बात मत कीजिए। ये है x1 by 1, x2 by 2, और हम लोग जानते हैं कि दो पॉइंट से गुजरते हुए एक लाइन हो सकता है। तो अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इतना आपको आना चाहिए मेडिकल वाले बच्चों को, क्या लिखते हैं? y minus y1 equal to y2 minus y1 और डिवाइडेड बाई एन टू व्हाट? x minus x1, करेक्ट। इसका मतलब आज के बाद अगर फिजिक्स में कहीं पे इस टाइप का सिचुएशन रहा तो क्या इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे? करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इस पर एग्जाम्पल ले लूँगा, डोंट वरी। y minus y1, इसको गौर से देखिए तो है क्या स्लोप है? ये क्या है? बताए थे ना दो पॉइंट का एवरेज स्लोप, यस। तो y2 minus y1 डिवाइड बाई x2 minus x1 क्या है? स्लोप। तो क्या इसके बदले m लिख सकते हैं? m x minus x1, एग्री। इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं mx minus mx1, यहां देखिए। अब 1 मिनट देखिए, फार्मूला से फार्मूला बन जाता है। दो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए या तो दो पॉइंट चाहिए, समटाइम्स ऐसा होगा कि पॉइंट ने देखे स्लोप पता रहेगा, क्या रहेगा? इसका मतलब अगर किसी भी एक, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है और मैं एक कोऑर्डिनेट दे दूं x1 by 1 और स्लोप बता दें, काम चल जाएगा? दो पॉइंट क्यों चाहिए था? स्लोप के लिए, राइट। और स्लोप अगर रेडीमेड आपको बता दें कि स्लोप इज 2 या स्लोप इज 4, तो स्लोप पता हो गया तो क्या इसका, इसको लिखने का रिक्वायरमेंट है या इसको लिखना चाहिए? y minus y1 equal to what m, ये भी एक इक्वेशन होता है, राइट। बट ए और ए अलग है, हाँ ना, कुछ भी नहीं बोलते हैं, सेम ही तो है, इसी बदल तो ये लिखे हैं, राइट। बोथ आर, लेकिन अगर स्लोप पता रहेगा तो सिर्फ एक वन पॉइंट देने से मेरा काम, बट एक पॉइंट देना पड़ेगा। y minus y1 equal to what m into x minus x1, क्या इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं?
एम एक्स अब प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? ओके स्टूडेंट, देखिए तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हुआ या नहीं हो? इसको कंपेयर, क्या इसके जैसा दिख रहा है? यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? एम। व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन ए विथ इक्वेशन बी, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन ए विथ इक्वेशन बी, यहाँ पे ए भी हटाइए, यहाँ पे कुछ फर्स्ट, इसको सेकंड कर देते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं और इसको फोर्थ कर देते हैं। व्हेन वी कंपेयर फोर्थ विथ थर्ड, तो ए का काम कौन कर रहा है? एम। अब बी का काम कौन कर रहा है? यस, ये तो प्रूफ हो गया। इसका मतलब मैंने यहाँ से क्या छोटा सा प्रूफ करने का कोशिश किया, ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ऑल लीनियर इक्वेशन व्हाट रिप्रेजेंट, जिसका स्लोप क्या रहेगा? आज का एक्स का कोफिशियंट, जिसका स्लोप क्या रहेगा? कोफिशियंट ऑफ एक्स, इज इट राइट? लिखिए एक लाइन, ऑल, तो ये तो लिख लिए हैं, ऑल, फिर भी लिख लीजिए, ऑल लीनियर इक्वेशन, ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, हुज स्लोप इज कोफिशियंट ऑफ एक्स। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, एक मिनट, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर क्या बाई माइनस बाई वन, ऐसे भी तो लिख सकते थे बाई माइनस बाई टू इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, डिफरेंट होगा या सेम ही रहेगा? एक ही बात है, चाहे तो यहाँ पे बाई वन तो यहाँ पे एक्स वन, यहाँ पे बाई टू तो यहाँ पे एक्स टू, सेम डिटो सेम इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा या सेम मिलेगा? एक बार चेक कर लें, दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है। यहाँ देखिए वन टू एंड थ्री फोर, और दोनों दोनों पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का इक्वेशन मैंने यहाँ पे किस पी वन पी टू नाम दिया है। सबसे बढ़िया बात तो ये हो गया, मैंने पी वन और पी टू नाम दिया ही नहीं, कौन सा पॉइंट फर्स्ट है कौन सा पॉइंट सेकंड है आपकी मर्जी है, क्या डिफरेंट मिलेगा सेम मिलेगा? मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट पी वन है, ये मेरा पॉइंट क्या है पी टू है, मतलब ये मेरा हो गया एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। एक बार इक्वेशन लिखिए तो वाई माइनस टू इक्वल टू व्हाट बोलिए, फोर माइनस टू आर डिवाइड बाई थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, एग्री? यहाँ पे बाई वन तो यहाँ पे एक्स वन, राइट? तो बाई माइनस टू इक्वल टू ए वैल्यू कितना होगा? वन ना, तो बाई माइनस कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस टू, मतलब बाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, बाई इक्वल व्हाट, उल्टा करके देखते हैं, बाई माइनस फोर कर दिए, एग्री? फोर माइनस टू और डिवाइड बाई थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री। देखिए तो डिफरेंट इक्वेशन मिलता है या सेम, सॉल्व कीजिए भाई, आप लोग पेन चलाइए। ओके
इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि कल के डेट में ऐसा, तो यहाँ देखिएगा सब लोग, ऐसा तो आ सकता है ना, वी एक्स इक्वल टू टू टी माइनस थ्री। अरे नी टू का बहुत फेवरेट पार्ट है, बहुत ग्राफ आता है रेशनल मोशन से, इसको लाइटली मजाक में मत लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पे कोई लोग, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, क्या हो रहा है, छोड़ देना चाहिए भाई, इसमें आपको फ्री में 4 मार्क्स मिल जाएगा। राइट, एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जिसका स्लोप, स्लोप क्या रहेगा, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। स्लोप क्या है, फिर से बोलिए तो, स्लोप 2 है। इसमें, इस स्लोप में कोई वेरिएबल टर्म है, मतलब कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट स्लोप का दो ही नेचर था ना, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, इसमें कौन सा नेचर रहेगा, फर्स्ट वाला रहेगा, करेक्ट। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट, नहीं सम टाइम्स एक पॉइंट से भी काम चल जाएगा। अगर स्लोप पता है, स्लोप तो पता है ना, स्लोप क्या है, स्लोप पता हो गया, स्लोप क्या है, 2। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे वी एक्स का वैल्यू कितना, ऐसे देखिए टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी एक्स का वैल्यू -3। अगर सब ड्रॉ नहीं करना है तो सीख लीजिए, उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि ये पता हो गया कि स्ट्रेट लाइन है, और ये भी पता हो गया कि स्लोप पॉजिटिव है, राइट। तो अगर स्लोप पॉजिटिव, अगर स्लोप पता रहेगा तो दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कितना पॉइंट से काम चल जाएगा, एक पॉइंट से काम चल जाएगा। तो वो एक पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सबसे बढ़िया है टी इक्वल टू 0, और वी एक्स वर्सेस टी का अगर फिजिक्स का बात करें, और जहाँ पे टी है टाइम तो निगेटिव होगा नहीं, बट फिर भी पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो वी एक्स इक्वल टी इक्वल 0, तो वी एक्स इक्वल व्हाट, -3, मतलब आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। अब यहाँ से ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन लेकर जाएं या ऐसे लाइन लेकर जाएं, कौन सा लाइन लेकर जाएं, बजा सर, ए लाइन लेकर जाएंगे तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, ए लाइन लेकर जाएंगे तो स्लोप, इतना आसान था भाई, नहीं समझे, ओके। तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ए मेरा गलत है और ए मेरा सही है, और उसके बाद इस पार्ट को डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट कर देंगे, टाइम निगेटिव नहीं होता है, पहले डिलीट नहीं करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे, पहले मान लेंगे कि भूतकाल होता है पास्ट टेंस, अब बाद में वहां से उसको ऐसे दिस इज द ग्राफ, करेक्ट। तो इतना था आसान, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना तो दुनिया का सबसे आसान काम, राइट, समझ गए, अभी ज्ञान हो जाएगा ना पक्का। अब यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा, एक किसका था, एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ये वी एक्स वर्सेस टी का था, वी एक्स मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, कंपोनेंट कैन बी। अब आपका जो मैं क्वेश्चन बैंक देखता हूँ तो समटाइम्स ऐसे रहता है, ड्रॉ द ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम, बोलिए मेरे साथ, ड्रॉ द ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड कभी भी निगेटिव, स्पीड का मतलब वी एक्स का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, मैग्नीट्यूड का मतलब, तो इस ए मैंने देता और आपसे पूछता कि मुझे मॉडुलस ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए, किसका मॉडुलस, एकदम इंटरेस्ट लेना है, मॉडुलस ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे करते, तो एक मिनट, मॉडुलस लेने का मतलब है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना दीजिए, और पॉजिटिव को निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट, बट निगेटिव को पॉजिटिव बना देना है, ओके। तो मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक देता हूँ, आज के बाद सब सीखते रहिएगा भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा एनर्जी लेवल आप लोगों का कम, और मैं, मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं डील कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉपरेट कर दिया तो पूरा फिजिक्स मैं आसान कर दूंगा, मैकेनिक्स पार्ट, या इवन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्राफ एक आ गया था,
पता ही नहीं चल रहा सर ग्राफ ऐसा क्यों हो गया। अब पता चलेगा ग्राफ ऐसा क्यों हो गया, राइट, क्योंकि आपको नॉलेज हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्लोप क्या होता है, राइट। यहाँ पे ही फंसे हुए थे और नहीं करंट के पहला ही दिन में ग्राफ जब आ गया ना, एक बैटरी लिए था आइडियल बैटरी, राइट, सॉरी नॉन आइडियल, जिसमें ई और आर था, और पावर का एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था मैक्सिमम पावर के लिए। तो उस टाइम पे जैसे ही आप लोग बोले कि सर आज थोड़ा टफ लग रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली फिजिक्स तो टफ था नहीं, ये वाला पोस्ट सेक्शन टफ था, तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन वीक है, इसलिए उसको हार्डली एक्सेप्ट कीजिए। मान लेते हैं कि एक कोई हाइपोथेटिकल कोई फंक्शन है, वो फंक्शन मुझे नहीं पता है और इसका मैंने ग्राफ ऐसा दे दिया, एग्रे, ये ऐसा कोई ग्राफ है, तो अगर बाय जब फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा और तब मुझे ड्रॉ करना है मॉडुलस ऑफ बाय एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, किसका ड्रॉ करना है, इसका मतलब है कि बाय को पॉजिटिव बना देना है, तो बाय को पॉजिटिव बनाना है तो इसका मतलब जहां जहां पे बाय का वैल्यू निगेटिव है मेक इट, इसका मतलब जहां पे वैल्यू माइनस 10 रहा होगा वहां पे प्लस 10 कर देंगे, जहां पे माइनस 10 वहां पे प्लस 10, जहां पे माइनस 5 वहां पे प्लस 5, इसका मतलब यहां पे कुछ वैल्यू रहा होगा ना, इसका माइनस 10 मान लीजिए तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे माइनस 8 रहा होगा तो यहां पे क्या, कहने का सेंस हुआ कि जिस पोर्शन में बाय का वैल्यू निगेटिव रहेगा वहाँ तक प्लेन मिरर रख दीजिए, कौन सा मिरर, अब बिल्कुल इसका डिटो इमेज ले लीजिए, क्या लेना है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं प्लेन मिरर, तो कैसा इमेज बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस 10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10, और वैसा ही इमेज ले लेंगे, राइट। तो ये ग्राफ किसका था जिसको शेडेड कर रहा हूँ, वो ग्राफ था बाय एज फंक्शन ऑफ एक्स का, राइट, बट अब ये था ग्राफ बाय एज फंक्शन ऑफ एक्स का और जिसको ऐसे कट कर रहा हूँ वो किसका ग्राफ है, यस, मॉडुलस ऑफ बाय वर्सेस एफएक्स का था, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि अगर वी एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ पता रहेगा और स्पीड वर्सेज टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ करना रहेगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ जहाँ पे वी एक्स का वैल्यू निगेटिव रहेगा वहाँ पे उसको क्या बना देना है, पॉजिटिव बनाने का तरीका कि उस पोर्शन में क्या रख देना है, प्लेन मिरर रख देंगे और उसका इमेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इमेज, करेक्ट, समझ में आ गया। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इतना मेहनत करके ड्रॉ कर रहे हैं भाई, ये किसका ग्राफ था, बोलिए बाय जे फंक्शन ऑफ एक्स का, किसका, अब मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू माइनस 10 है, पहले इसको लिख लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ बाय एज एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये पॉइंट वही रहेगा ना, मानते हैं पॉइंट 4 है, लेट अस सपोज, तो यहां पे क्या रहेगा 4, समझ गए, ये हो गया मॉडुलस ऑफ बाय वर्सेस एक्स, एक किसका था बाय वर्सेस एक्स, एक किसका, मॉडुलस ऑफ बाय वर्सेस, ड्रॉ कीजिए, आप लोग का एग्जाम में तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वी एक्स वर्सेस टी और स्पीड वर्सेस टी, बट स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो स्पीड को ही वी एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, स्पीड बोलेंगे मतलब मॉडुलस ऑफ वी एक्स, तो वी एक्स वर्सेस यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे, अच्छा ये वैल्यू कितना रहेगा, ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये वैल्यू इसमें कितना रहेगा, जहाँ पे वी एक्स जीरो रहेगा वहाँ पे टाइम कितना, यहाँ पे वी एक्स क्या जीरो, 3/2, तो देखिए मॉडुलस ऑफ वी एक्स वर्सेस टी के लिए क्या यहाँ पे प्लस 3 कर दें, यहाँ पे आपने मिरर रखा ना, यहाँ पे माइनस 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना 3/2, दिस इज अ ग्राफ, राइट, किसका वी एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ से मॉडुलस ऑफ वी एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ऐसे ड्रॉ करते हैं, एग्रे, तो अब तो समझ में आ जाएगा, कभी भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ दे दूंगा और रेंज का मॉडुलस, वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं, रेंज का मॉडुलस लेना का ग्राफ ड्रॉ करना है,
तो क्या करना है, निगेटिव वाले पोर्शन पे का जस्ट मिरर इमेज ले लीजिएगा। अब मेक इट, तो मिरर इमेज लेने का सेंस क्या है कि सारे वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, तो ऐसा ग्राफ होगा। सबको समझ में आ गया है एवरीवन? चलिए, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, अगर कॉन्फिडेंस है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, हो जाएगा? ओके। एक ऐसा एक्सप्रेशन लीनियर या क्वाड्रेटिक, एक लाइन लिखिए, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। आज के बाद ऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। एक मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया? पहला पॉइंट तो एक बता दिया कि आज के बाद कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया मतलब उसका ग्राफ का शेप कैसा रहेगा, पैराबोला के जैसा ही रहेगा, राइट? यहाँ देखिए, अब पैराबोला का शेप दो ही टाइप का हो सकता है, या तो ऐसा और नहीं तो ऐसा, एग्री? और इस टाइप के शेप को क्या बोलते हैं, यस, कॉनकेव अप, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। तो देखिए, जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा तो ये तो दिमाग में आ जाएगा शेप या तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा, मतलब 50% काम तो वहाँ पे ही हो गया, शेप या तो ऐसा नहीं तो ऐसा। अब डिसाइड करना है कैसा, ऐसा रहेगा नहीं तो ऐसा रहेगा। अब ध्यान से देखना है, बोलिए पैराबोला में कितना वर्टेक्स रहेगा? पैराबोला का ग्राफ ऐसा नहीं रहता है भाई, बिल्कुल एक ऐसे ही रहता है। पैराबोला में कितना वर्टेक्स होता है, एक ही वर्टेक्स रहेगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि सर पैराबोला में वर्टेक्स एक मिलेगा, इस वर्टेक्स पर स्लोप क्या रहेगा, यस, वर्टेक्स पर स्लोप क्या रहेगा, और यहाँ भी स्लोप क्या रहेगा, जीरो। ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फॉलो कीजिएगा मेरा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, तो समझ में आ जाएगा, मतलब दो क्लास हो चुका है इसका। वर्टेक्स का मैं वहाँ पे बात किया था, यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में पैराबोला में एक ही वर्टेक्स होता है, ये बात आपको यहाँ से पता चलेगा। डी वाई बाई डी एक्स करते हैं क्या, एग्री? एम इक्वल टू वाट, टू ए एक्स प्लस बी, और अगर स्लोप को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, इसी पर डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्लास में, तो कितना है, टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस बी वाई टू ए, माइनस बी वाई टू ए, तो x का कितना वैल्यू मिला, एक। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सिर्फ x का वन ऑफ एक ही वैल्यू पे स्लोप जीरो होगा, मोर देन वन पॉइंट पे स्लोप जीरो, इसका मतलब वर्टेक्स कितना रहेगा, और स्लोप तो वर्टेक्स पे जीरो होता है, राइट? एक ही वर्टेक्स रहेगा आज के बाद, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वर्टेक्स कितना रहेगा, एक रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा, किसका ग्राफ रहेगा, पैराबोला का रहेगा, समझ गए? ठीक है ना, मतलब एक तो वर्टेक्स पक्का मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा या मिलेगा, मिलेंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि डोमेन का क्या है। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि
एक ये पता है कि सेफ ऐसा है, बट मैंने आपको यहाँ से ड्रॉ करने के लिए बोला, तो सिर्फ ए वाला पार्ट रहेगा, करेक्ट? लेकिन वी आर वेरी वाइज पीपल, नहीं भी हैं तो खुद को बोलेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो पहले हम लोग, ध्यान सुनिएगा, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे पूरा, जहाँ पे मेरा ग्राफ नहीं भी अलाउड है वहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे, बाद में डिलीट कर देंगे। आप लोग समझे नहीं सर मैंने क्या बोला? क्या बाद में डिलीट कर देंगे, ये समझे? सपोज कीजिए कि y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस फोर, सपोज कीजिए इसका ग्राफ ऐसे आ गया, लेट अस सपोज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? पूरा मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया टाइम को निगेटिव मानते हुए, जब पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बाद में टाइम जहाँ पे निगेटिव है उस पोर्शन को डिलीट कर देंगे, तो ये मेरा और आंसर वाला ग्राफ ये रहेगा, आंसर वाला ग्राफ क्या रहेगा? ए रहेगा, समझ गए? अब यहाँ देखिए हो गया ना एवरीवन, ये समझ में आ गया? एक कम से कम मोर देन 30 टाइम्स आएगा रेस्टेंट मोशन में ग्राफ, एक दो बार आता तो छोड़ देते। ओके स्टूडेंट, अब आप बताइए, यहाँ देखिएगा, पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? ऐसे ही हम लोग बात करते हैं चाय पर चर्चा, कि ग्राफ पैराबोला का ड्रॉ करना है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जिससे कि आप ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, पहला रिक्वायरमेंट क्या है? वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा स्टूडेंट? सर एम का वैल्यू जीरो कर दीजिए तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, हाँ या ना? और उस एक्स का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, बाय निकल जाएगा। उस एक्स का वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए? यहाँ पे, राइट? तो क्या निकल जाएगा इसका? सर वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, करेक्ट? एक काम तो कर लिए, दूसरा काम सर एक ग्राफ कॉनकेव डाउन रहेगा या कॉनकेव अप रहेगा ये पता चल जाए तो दूसरा काम मेरा हो गया। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता कर लिए, और क्या पता हो गया? अगर सेप पता हो जाए दो काम हो गया, और थर्ड जो रिक्वायरमेंट रहता है वेयर इट इस, किसी भी पैराबोला का कितना विंग होता है? विंग्स, किसी भी पैराबोला का टू विंग्स ना, एक ए और एक ए। यस, इलेवेंथ क्लास के बच्चे को यहाँ आप लोगों को जितना मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊंगा ना उससे तीन से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 14-15 क्लास सिर्फ मैथमेटिकल टूल ही पढ़ाया हूँ, जबकि वो टेंथ पास करके जस्ट आते हैं, राइट? बहुत रिस्की है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते dy/dx। dy/dx एक क्लास बोलते रहा, देखिए dy/dx होता है, इसको मान लीजिए प्लीज़, मतलब उसको ऐसे करते करते आज के डेट में उनसे बात करेंगे ना, देखिए कुछ क्लास तो आपको कॉमन है उनके साथ, जहाँ पे भी ग्राफ आएगा देखिए कितना फटाफट आंसर देंगे। ऐसे यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, किसी भी पैराबोला का कितना विंग्स? टू विंग्स है, करेक्ट? तो जहाँ पे वर्टेक्स है वहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो नहीं लगता कि इक्वल पार्ट में पैराबोला डिवाइड हो सकता है? कोई भी पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कौन सा लाइन? जो कहाँ से पास करे? वर्टेक्स से, राइट? तो जितना से पार्ट इधर रहेगा उतना ही पार्ट इधर रहेगा। अच्छा जस्ट ऐसे ही मान लेते हैं कि आपने मार्केट से एक ऐसा फ्रेम बनाया लोहे का, करेक्ट? और इस फ्रेम को इस लाइन के अबाउट रोटेट कर दीजिए, किस टाइप का शेप बनेगा? बाटी, कटोरा, राइट? नहीं समझते हैं? बाउल, यस, जिसका स्टैंडर्ड नाम है, ये तो हो गया बिल्कुल गांव वाला नाम, पैराबोलॉइड स्टैंडर्ड नाम, पैराबोला से पैराबोलॉइड, बोलिए, करेक्ट? अरे तो मैं बिना काम का कोई भी बात नहीं करूँगा, आपको लगता होगा सर ने मजाक कर दिया, आपको पढ़ना है YDSC,
ये भी नहीं जानते हैं? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यस। तो एक्चुअली जो आप स्क्रीन देखते हैं ना यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा, तो वो पैराबोलॉइड रहता है, दो सोर्स रहता है ना, S1 S2। तो किसका कैसा शेप रहता है? पैराबोलॉइड, पैराबोला या पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, सॉरी हाइपरबोलॉइड रहता है। वहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिलता है। इसका मतलब किसी भी पैराबोला को अगर किसी लाइन के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो जो शेप बनेगा, इट इज़ काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ शेप, राइट? समझ गए? ऐसा सरफेस मिलेगा। एनीवे कहीं पे आएगा तो हम लोग कभी कभी कुछ टर्म को सुन लीजिए, वो ऐसा नहीं है कि वो टर्म अचानक से वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट ही यूज हो जाएगा, बट कहीं दूसरे जगह आ गया वहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है? एनीवे तो बोलिए, पहला रिक्वायरमेंट क्या है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मैं लिखवा दूंगा, तीन ही पॉइंट तो है। आज के बाद किसी भी पैराबोला का ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट, फोर्थ रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। पहला क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं या बताना पड़ेगा? हाउ कैन बी फाइंड आउट? अप्लाई योर कॉमन सेंस। सेकेंड रिक्वायरमेंट, कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप। तो यहाँ देखिए, आज के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, किसका? शॉर्टकट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा? तो शेप कॉनकेव अप होगा, करेक्ट? तो शेप कैसा? कॉनकेव अप। और अगर एक्स स्क्वायर का, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निगेटिव रहेगा तो शेप कैसा रहेगा? ए सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट है, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, मतलब मेरा ग्राफ वर्टिकल एक्सिस को कहां पे कट करेगा? हाउ कैन वी फाइंड आउट वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस? भाई वर्टिकल एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, मतलब वाई का वैल्यू मुझे चाहिए उस पॉइंट पे। तो वर्टिकल एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है? जीरो। एक्स का वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, उसके लिए इसमें क्या पुट कर देंगे? एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल जीरो, तो बाई का वैल्यू कितना? सी। तो वही तो वैल्यू रहेगा सी। इतना बात अगर पता चल जाए, वर्टेक्स पता चल जाए, शेप पता चल जाए, राइट? अब वर्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकता है? सर वर्टेक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? और नहीं तो एक्स एक्सिस पे, नहीं तो बाई एक्सिस पे, नहीं तो एक्स एक्सिस पे, नहीं तो, और नहीं तो ओरिजिन पे, मतलब जहाँ भी हो उससे मतलब नहीं है। उसके बाद वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, तो लिखिए मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ पैराबोला। पॉइंट बनाइए, मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ पैराबोला। फर्स्ट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। फर्स्ट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। सेकेंड, डिसाइड इट इज कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। डिसाइड इट इज कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन जस्ट बाय नोइंग द साइन ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जस्ट बाय नोइंग द साइन ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस। एंड थर्ड में है वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस। तो देखिए, कल के क्लास में हाफ ऑफ द क्लास सिर्फ पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? मतलब कल के बाद आपका हाथ बिल्कुल फास्ट होना चाहिए पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, करेक्ट ना? इतना यहाँ तक समझ में आ गया है? कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, आते रहिए, बैठते रहिए, ठीक है? आज के लिए इतना है। क्या बोले? एक मिनट में बात करता हूँ।